हाय देयर, मैं हूं आपका माइंडफुल वेलनेस एक्सपर्ट आकाश। नाउ आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये जो टॉपिक है बेसिकली ये आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। सो आज हम बेसिकली मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जो भी आप फूड आइटम्स खरीदते हैं मार्केट से, उसको पढ़ते कैसे हैं। नाउ अक्सर जब भी हम आइटम्स खरीदते हैं, इमेजिन करिए जब भी आप सुपरमार्केट जाते हैं, अपना सामान उठाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किस तरफ के चीजों को देखते हैं, सामने की चीजों को देखते हैं। नाउ जैसे इसमें लिखा हुआ है काजू मिक्सचर, हल्दीराम का है, राइट? तो हम बेसिकली इसको देखते हैं एंड बेस्ड ऑन आवर टेस्ट हम इस चीज को उठाते हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खासकर अगर आप अपनी लाइफ में हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हैं, बच्चों को हेल्दी रखना चाहते हैं, प्लस या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के ऊपर है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लेबल के फ्रंट को नहीं, आप लेबल के बैक को भी पढ़ना जाने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ मैक्सिमम, अगर मैं गलत नहीं हूं और मुझे बताइएगा कि मैक्सिमम लोग जो लेबल के, जो मतलब इस पैकेट के पीछे के हिस्से को पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं कि एक्सपायरी डेट क्या है, बट उसके बाद कोई चीज गौर नहीं करता है। सो आपको मैं थोड़ी सी कुछ फैक्ट्स बताता हूं। तो इंडिया में जो भी खाने की चीजें आती हैं, जो भी आप एज अ फूड कंज्यूम कर सकते हैं, दवाई नहीं, एज अ फूड कंज्यूम कर सकते हैं, उसके ऊपर FSSAI का लेबल लगा होता है, विच इज बेसिकली फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बॉडी है जो लाइसेंस देती है कंपनीज को ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जिसको आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो पहली चीज ये है। नाउ इसका एक मैंडेट है, और मैंडेट क्या है कि हर प्रोडक्ट के पीछे उसका न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, उस जो भी खाना है, जो भी चीज आप खाने जा रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी को ये समझ में नहीं आता कि आप एक काजू मिक्सचर खा रहे हैं, कि आप ओट्स खा रहे हैं, कि आप छोले भटूरे खा रहे हैं। उसको ये समझ में आता है कि कितना कार्बोहाइड्रेट गया, कितना फैट गया, कितना प्रोटीन गया, विटामिन मिनरल्स गए कि नहीं गए, ये बॉडी को समझता है। तो ये एक्चुअली आपकी बॉडी के लिए इन्फॉर्मेशन है, राइट? नाउ अगर आप गौर करेंगे तो इसमें कई सारी चीजें दी होती हैं, प्राइमरीली जो कैलोरीज दी होती है, कार्बोहाइड्रेट दिया रहता है, शुगर दिया रहता है, फैट दिया रहता है, सोडियम लेवल्स दिए रहते हैं, ट्रांस फैट, ये सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी रहती है। लेकिन क्या ये इन्फॉर्मेशन इतनी सिंपल है, जितना जो लिखा है वही होता है क्या सामने? तो आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सो अगर आप इस पैकेट पे देखेंगे तो इस पैकेट पे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है पर 100 ग्राम जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब कैलोरीज, राइट? सो पर 100 ग्राम जो एनर्जी है विच इज 561.3 किलो कैलोरीज। ओके, सो अब इस वर्ड को थोड़ा सा हम एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। 561.3 किलो कैलोरीज इसके अंदर एनर्जी है ना। कोई भी इंसान अगर इस पैकेट को देखेगा, आएगा अच्छा 561 कैलोरीज है, ठीक है हम इसको ले लेते हैं। बट फैक्ट इज ये पैकेट एक्चुअली 200 ग्राम का है, 100 ग्राम्स का नहीं है। तो जब आप टोटल कैलोरीज कैलकुलेट करेंगे तो ये 561 × 2 होना चाहिए, मतलब एक्चुअली मोर देन समवेयर अराउंड 1120 समथिंग कुछ प्लस कैलोरी, मतलब 1120 प्लस कैलोरीज है इस पैकेट के अंदर पूरी। ये एक चीज हुई, और एग्जैक्टली यही मल्टीप्लीकेशन आप जो कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है, इन सब पे करेंगे। पर आप ये कहेंगे कि यार हम तो एक बार के अंदर पूरा पैकेट खाते नहीं है। नाउ विच इज अ फैक्ट, आप पूरा पैकेट एक बार के अंदर नहीं खाते हैं। तो अगर आपको अपनी कैलोरी काउंट का ध्यान रखना है, अगर आपको ये ध्यान देना है कि आप अपनी बॉडी को परफेक्ट शेप में लेके चले, परफेक्ट हेल्थ में लेके चले, तो ऑब्वियसली कैलोरी काउंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे करेंगे? नाउ इसके नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी रहती है, राइट? इसको बेसिकली हम बोलते हैं सर्विंग साइज। अब सर्विंग साइज मतलब क्या है कि आप कितना बेसिकली खाते हैं एक बार के अंदर, एक आम इंसान कितना नमकीन बेसिकली इस पैकेट में से निकाल के खा सकता है। नाउ अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है पर सर्विंग साइज इज 20 ग्राम्स, राइट? 20 ग्राम, तो मतलब एक बार में जब आप नमकीन खाते हैं, आमतौर पर एक इंसान नमकीन खाता है तो उसमें 20 ग्राम नमकीन खाता है, 200 ग्राम के पैकेट में 20 ग्राम नमकीन खाता है, तो इसका मतलब उसमें टोटल सर्विंग्स कितनी हुई, 10, राइट? क्योंकि अगर 20 करते 20 करते ऐड करेंगे, 10 बार ऐड करेंगे तो आपको 200 ग्राम टोटल मिलेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अक्सर लोग ये क्या करते हैं कि क्रेविंग्स जब उनको बीच में होती है तो वो जाते हैं कुछ थोड़ा सा नमकीन उठाते हैं, खा लेते हैं, फिर गए थोड़ा सा और नमकीन उठा लिया, खा लिया। तो समझने की कोशिश करिए कि आप एक्चुअली कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। इस पैकेट के अंदर 561 नहीं 1120 कैलोरीज है, और जब भी आप एक सर्विंग यानी 20 ग्राम नमकीन खाते हैं तो आप अपनी बॉडी में अराउंड 112 से 120 कैलोरी डाल रहे होते हैं। 112 से 120 कैलोरीज अगर आपको जानना है कितना होता है तो कभी ट्रेडमिल पर जाइए और मोर देन 100 कैलोरीज बर्न करने की कोशिश करिए।
तो आपको रियलाइज होगा कि आपने एक्चुअली खाई तो एक कटोरी नमकीन, पर वो कितना इम्पैक्ट करती है अपनी बॉडी को। अक्सर लोग सिर्फ और सिर्फ सामने जो लिखा रहता है उसी को कंसीडर करते हैं, पर वो ध्यान नहीं देते कि एक्चुअली इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्विंग साइज पे ध्यान दीजिए, नेट वेट पे ध्यान दीजिए। आपको नेट वेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। नेट वेट का मतलब बेसिकली होता है कि ये जो पैकेट है अगर इसको मैं हटा दूं और इसमें जो सामान है वो बाहर निकालूं, उसका वेट है नेट वेट। अगर पैकेट के साथ कैलकुलेट करूंगा तो ये होता है ग्रॉस वेट। ओके, सो सिंपल सी बात है, लोग ये कैलकुलेट नहीं करते ना। सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर जैसे दिया हुआ है प्रोटीन 14.5 ग्राम, राइट, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। यहां पर आप गौर करेंगे प्रोटीन 14.5 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन आरडीए मतलब रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस, मतलब आपकी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की जो बॉडी है वो डिसाइड करती है कि आपको कितना सोडियम, कितना मिनरल्स, कितना जिंक, ये सब आपकी बॉडी में जाना चाहिए डेली बेसिस पे। तो यहां पर आप देखेंगे तो प्रोटीन के बगल में 14.5 ग्राम लिखा है, लेकिन उसके बगल में स्लैश लगा हुआ है, मतलब बेसिकली ये आइटम को आप एज अ प्रोटीन सोर्स कंसीडर नहीं कर सकते ना। बहुत सारे लोग जाएंगे और कहेंगे कि इसमें 14.5 ग्राम प्रोटीन हमको खा लेना चाहिए। नंबर वन, सबसे पहली बात, सारा का सारा प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी के अंदर। सेकंड चीज, ये प्रोटीन सोर्स की तरह काम नहीं करेगा, दैट इज वाई आरडीए के बगल में एक स्लैश लगा हुआ है। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएं तो अपनी जो भी खाना आप उठा रहे हैं, भले वो बच्चों के लिए मैगी हो, बॉर्नविटा हो, जो भी चीजें हो, उसमें ये चीज जरूर जरूर पढ़े कि वहां पे शुगर कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ट्रांसफैट कितना है। ये सब चीजें पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपने हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकें। सो प्लीज बी एन एजुकेटेड बायर, आंखें बंद करके सामान मत खरीदिए जस्ट बिकॉज कि इसमें मूंगफली ज्यादा है या इसमें काजू ज्यादा है, इसलिए मत खरीदिए। थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, है ना। और ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, एंड अपने बच्चों को भी जरूर सिखाएं इस चीज के बारे में ताकि आगे चल के वो इन चीजों का ध्यान रख सके। ओके, सो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को जरूर लाइक करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार।